तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। कैसे आप सभी सब बढ़िया होंगे। तो आज भी अपनी जर्नी है होशियारपुर एक्सप्रेस में, सॉरी होशियारपुर आगरा कैंट एक्सप्रेस में होने वाली है। तो चलिए इस जर्नी को करते हैं स्टार्ट। मैं इस वक्त अभी जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन पे हूँ। कुछ देर में ट्रेन बस यहाँ पे आने वाली है, बोर्ड करते हैं। दोस्तों अगर ट्रेन की टाइमिंग की बात कर ले तो ये दोस्तों होशियारपुर से रात को 10:25 निकलती है, आपको अगले दिन सुबह 10:50 आपको पहुँचा देगी आगरा कैंट। टोटल जो है 651 किलोमीटर का डिस्टेंस 12:25 में कवर करती है। और इस रूट पर जो उसकी एवरेज स्पीड है वो है 52 एंड जो मैक्स वो 110 है पूरी वहाँ तक आगरा कैंट तक रहने वाली है। और 22 होल्ट के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करती है। ठीक है दोस्तों, अपना जो जलंधर कैंट है इसका जो लोकल नेम है वो रामा मंदिर है। और बाकी बात करें अगर जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। रोजाना यहाँ पर लगभग 150 से भी ज़्यादा ट्रेनों का होल्ट रहता है। नॉर्थन रेलवे जोन के फिरोजपुर डिवीजन में अपना स्टेशन पड़ता है। लो जी दोस्तों, 2 मिनट के होल्ड के बाद अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है जलंधर कैंट से। मेन लाइन का जो है ये प्लेटफॉर्म था, मतलब मेन लाइन पे ही है अपनी ट्रेन, तो एक्सलेशन ताबड़तोड़ करेगी। और अभी कुछ ही देर पहले वंदे भारत क्या ही ज़बरदस्त एक्सलेशन दिखाया। तो बोलते हैं अभी फ़िलहाल बाय बाय जलंधर कैंट को। लो जी दोस्तों, अपनी ट्रेन जो है लुधियाना पर पहुंच गई है। अपने जो है नॉर्थन रेलवे जोन के फिरोजपुर डिवीज़न में आता है। 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। यहाँ पे लगभग 250 से भी ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट रहता है और 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होते हैं। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। सामने खड़ी है स्वर्ण शताब्दी मेल और ये जो स्टेशन है यहाँ पर अपनी ट्रेन लगभग आधा घंटा की देरी से आई है। इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से एक लाइन अंबाला अटारा वाली जाती है, यहाँ से एक लाइन चंडीगढ़ वाली जाती है, एक लाइन यहाँ से अंबाला की तरफ चली जाती है। और यहाँ से लगभग 5 मिनट से बोर्ड करेंगे। जी दोस्तों, अपनी ट्रेन जो है लुधियाना से निकल चुकी है। और इसको जंक्शन इसलिए भी कहा जाता था यहाँ से क्योंकि जाखल वाली लाइन में जाती है, जाखल और फजिलका वाली लाइन। बोलते हैं लुधियाना को बाय बाय। यहाँ से अपनी ट्रेन जो है सानेवाल से कट जाएगी चंडीगढ़ वाले रूट पे। और आपको तो जैसे पता है सांबा पे किसानों ने आंदोलन कर रखा, इस कारण उस रूट पर ट्रेनों का आवाहन बंद है, जिसके कारण कई ट्रेनों का मतलब कई ट्रेनें जो है कैंसिल हैं और कई ट्रेनों का जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। यात्रियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिससे पता नहीं यार ये बार बार किसान आंदोलन क्यों कर देते हैं, किसी को पता है तो यार बताओ।
गाइस यहाँ पे ऑलरेडी कोई ट्रेन खड़ी है अमृतसर देहरादून। यार ये तो बहुत पहले की निकली हुई थी, बट ये अभी यहाँ क्या कर रही है? ये निकल चुकी है अमृतसर देहरादून हमको ओवरटेक करके, बट ये अपने से आगे थे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आधा घंटा होने वाला अपने ट्रेन में यहाँ पर खड़े हुए, रूट चेंज होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और सामने देखो कोलकाता एक्सप्रेस खड़ी है, और जो कोलकाता एक्सप्रेस का जो पेंट्री स्टाफ है ना उस ट्रेन में भी सर्विस दे रहा है, ये चीज़ बढ़िया लगी। बाकी अभी अपनी ट्रेन जो लुधियाना से निकली है, समझो चंडीगढ़ नहीं पहुँची, चार घंटा से यहीं पर खड़ी है। इतना ज़्यादा दिमाग खराब क्या करें, समझ नहीं आ रहा, देखते हैं कब निकलती है। चले कि नहीं क्या सर आज यहाँ से बेचारे को? कितने बजे तक लगभग पहुँच जाएगी सर दिल्ली? पता नहीं, 3 बजे कह रहे हैं दोपहर दे। सची हो जा आप, 3 बजे पहुंचनी भरावा जी, 3 बजे खड़ी होते कह रहे हैं, इनकी मुझे सुननी गल है। मौने 2 घंटे से यहाँ खड़ी है, उसके बाद आप कह रहे हो कब तक पहुंचेगी? कोई पंडित तुंडित को ले और टेवर टू पर निकलवाते हैं इसका। अरे नहीं सर, क्या टाइम है, चलो भी नहीं सके, शाम भी गया सर भी खड़े हैं। रास्ता क्रॉसिंग की कमी नहीं है, क्रॉसिंग पर क्रॉसिंग हो रही है, और जहाँ तक मुझे लग रही है मालगाड़ी है कि पैसेंजर है, देखने में तो मालगाड़ी लग रही है गाइस। मतलब मालगाड़ियों के चक्कर में भी अपनी ट्रेनों को रोक दिया जा रहा है दो दो ढाई ढाई घंटे से। और अभी गार्ड सर से पूछने गया था तो उन्होंने क्या कहा आपने सुना ही, उनको कोई अपडेट नहीं। यार ये तो बेइज्जती वाला का मालगाड़ी के चक्कर में इसको रोका गया है। आई होप कि इसके निकलने के बाद इसके साथ फाइनली दोस्तों काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद अपनी ट्रेन को लगभग 3-3.5 घंटे की देरी से ये निकाल दिया है। कोई खमांडो नाम का स्टेशन है वहाँ से, चलो इंटरसिटी को ओवरटेक। बेगमपुरा एक्सप्रेस खड़ी है इस सामने, और अभी यहाँ तक अपनी ट्रेन 219 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ पे लगभग 6 घंटे की देरी से आई है।
रॉबिन्स का अराइवल टाइम था सुबह सुबह 3:08 या 9 बजे। सो गाइस अपनी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन था, यहाँ पर रोजाना 50 से भी ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट रहता है। 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। यार इसका जो वैग 9 लगा हुआ है ना, मालगाड़ी की तरफ बार बार झटके मार रहा है। ओहो हो, सामान गिर गया अंकल का। और सामने बेगमपुरा एक्सप्रेस खड़ी है, इसका रूट डाइवर्ट है वरना वो इधर नहीं आती। किसान आंदोलन के कारण सभी ट्रेन जो है इसी रूट से जा रही है, इसलिए अपनी ट्रेन जो है 6 घंटे प्लस लेट होती जा रही है। नॉर्थन रेलवे जोन के अंबाला डिवीजन में अपना स्टेशन पड़ता है, और इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ट्रेन जाती है कालका के लिए डाइवर्ट होती है, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। बाकी मैं बाहर से कवर नहीं कर रहा, कुछ कारण है आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप ऐसे एंजॉय कर लो। बाय बाय बोलते हैं चंडीगढ़ को। गाइस अब हम जो है वो मेन लाइन वाला रूट पकड़ लेंगे जो अंबाला से लुधियाना का जो मेन रूट था, शंभू वाला रूट जिस पे किसानों ने आंदोलन कर रखा है। वो तो शंभू तो पीछे चला गया, हम आगे आ गए। नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। इसका भी रूट डाइवर्ट है, वाया चंडीगढ़ ही जाएगी बट स्टॉप नहीं चंडीगढ़ का, बिकॉज रूट डाइवर्ट है ना। जी दोस्तों अपनी ट्रेन जो अंबाला आ चुकी है, लगभग 256 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक अपनी ट्रेन ने कवर कर लिया। ये इसका 6ठा हॉल्ट है। यहाँ पे ये जो है सेम टाइम 6 घंटे की देरी से आई है। नॉर्थन रेलवे जोन के अंबाला डिवीजन में अपना स्टेशन पड़ता है, यहाँ पर रोजाना लगभग 100 से भी ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट रहता है, और 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। UEMB का स्टेशन कोड है, 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। जर्नी
समाप्त होने वाली है, मतलब अपने डेस्टिनेशन पे मैं पहुँचने वाला हूँ करनाल में। उस ट्रेन को मैं डिलोड कर दूँगा, तो पहुँचने से पहले मैं थोड़ा वॉशरूम पर टूर कर लूँगा सीधा, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते हैं। वाटर टैप जो है वो रनिंग में, वाटर टैप जो है रनिंग में है, एंड मिरर जो है क्लीन नहीं है, ठीक है। देख लो बूंदाबांदी वगैरह हो रही है, बाकी वॉशरूम ठीक है, मतलब रात को चली है लेकिन अभी तक उसका वॉशरूम ठीक है, कह सकते हैं बढ़िया है। रेटिंग अगर देना चाहेंगे तो 8 दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेन ओवरऑल ठीक ही है, बढ़िया ट्रेन है, एक नंबर की है, इससे आप कर सकते हैं। आज लेट हुई है वो आंदोलन के कारण लेट हुई, वरना तो वैसे लेट होती नहीं है, अभी बढ़िया ट्रेन है, आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। करनाल का अराइवल दिखा के आपको वीडियो बुक करते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर आपको जल्दी कैसी लगी, ठीक है। जल्दी मिलते हैं यात्रा से, तब तक लिए अपना ध्यान रखना और खुश रहना। और हाँ, अभी वीडियो समाप्त नहीं, अभी कुरुक्षेत्र ट्रेन का रिव्यू दे ही दिया, कैसा था ट्रेन, मतलब कैसी है ट्रेन, बाकी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको जर्नी। मेरे की लूप लाइन में ले लिया गया अपनी गाड़ी को, बिकॉज यहाँ पे इसका फॉल्ट है इसलिए। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, अगर अभी तक नहीं किया तो, जिन्होंने कर लिया उनको धन्यवाद, बाकी आप भी कर लेना। वैसे तो मेरा होम टाउन है पानीपत, पर मेरे को करनाल में कुछ काम, इसलिए मैं यहीं पे मुझे रुकना है मेरे को आज, तो मैं ब्लॉग को भी यहीं पर एंड ही करूँगा। तो चलो गाइस, ठीक है, यहाँ तो भीड़ है, दौड़ मत, ब्रेड गरमा गरम ब्रेड।